फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC में आपकी मुंबई में वैकेंसी निकली है, ठीक है। जो आपकी जो वैकेंसी है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। जो वैकेंसी आपकी मॉडल हॉस्पिटल अंधेरी में निकली है उसके बारे में आपको मैं डिटेल से नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। पर और आपकी मैं जानकारी जो जो है वो इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट वो सब आपको दूंगा, और लास्ट डेट और किस तरीके से फॉर्म भरेंगे वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले मेरे आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। साथ में आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड, मैं इसमें आपके वैकेंसी से रिलेटिव और साथ में यूनिवर्सिटी से रिलेटिव और भी अदर इन्फॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, अब आप स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आपको होम पर होंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ही टैब में मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जैसा इंटरफेस आ रहा है सेम ऐसा ही रहेगा अगर हम पे होंगे तो। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे नंबर की आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है। पब्लिश डेट है 11/9 को, इंटरव्यू आपका है, ठीक है, 23/9/2020, ठीक। यहाँ पे आपका आपका कंसोलिडेट SI नंबर दे रखा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो PDF है 413 KB का वो ओपन हो जाएगा, से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 पेज का है हमारा नोटिफिकेशन। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, इसमें थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे रखे, ठीक है। यहाँ पे आपके दे सकते हैं, यहाँ ईमेल ID दे रखी है और यहाँ पे एडमिन अंधेरी और जानकारी और अदर भी आ रही है। यहाँ पे आप दे सकते हैं इंटरव्यू के लिए आप जहाँ पे जाना है वो आपको आप डेस्टिनेशन दे रखा है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो हमारी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट दे सकते हैं मेडिसिन एंड ICU, कैजुअलिटी, रेडियो डायग्नोस, ऑर्थोपेडिक, आप यहाँ पे सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और जो पैथोलॉजी आपकी मेडिसिन की और आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की वैकेंसी है हमारी सीनियर रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 3 ईयर स्कीम की है, ठीक है। तो ये वाली वैकेंसी है सीनियर रेजिडेंट 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। तो आपकी जो वैकेंसी है दो कैटेगरी में मान सकते हैं आपसे, यहाँ पे देख सकते हैं एंथेसियोलॉजी, मेडिसिन एंड ICU, कैजुअलिटी, रेडियोग्राफी, OBC एंड GYN, ऑर्थोपेडिक, ENT, यहाँ पे सारी वैकेंसी हैं जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। टोटल हमारी 67 वैकेंसी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसकी यहाँ पे आप दे सकते हैं टोटल 10 वैकेंसी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में दे रखा है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे आप दे सकते हैं सबका, यहाँ पे आ रही 24/9/2020 आ रहा है, ठीक है, 9:30 बजे 24/9/2020 इस वैकेंसी कैजुअलिटी के 11 बजे। आप यहाँ पे दे सकते हैं 11:30, 3, 4, 24 तारीख को ही सेम है, ठीक है, 24 तारीख को 4:30, 25 तारीख को आपका 9:30, 25 तारीख को 11:30, ठीक है। यहाँ पे सबकी एज रखी गई 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन सबकी रखी गई है MBBS होना चाहिए विद PG, MD, DNB, डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशल फ्रॉम स्पेशलाइज फ्रॉम आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या आपका MBBS होना चाहिए 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन द सेम, इट इज एप्लीकेबल ओनली नॉन अवेलेबल PG और PG क्वालिफाइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर आपके 7 CPC लेवल 11 की सैलरी रहेगी 60,000, 67,000, ठीक है, यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट है जो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी आ रही है वैकेंसी सारी में आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे आपको 24/9/2020 को 9:30 बजे, ठीक, 24/9/2020 को 10:30, 24/9/2020 को 11, 24/9/2020 11:30, इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 24/3 तक आ रहा है, यहाँ पे लास्ट टाइम है 3:30, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। 25/9/2020 को यहाँ पे आप दे सकते हैं 9:30, ठीक, और 10:30 आपके 11, 25/9 को बाद फिर क्या 2, 3, 3:30, 4 बजे तक है, ठीक है। इस तरीके से नॉट एक्सीड 40 होना चाहिए, MBBS होना चाहिए विद PG, MD, DNB, डिप्लोमा इन कंसर्न स्पेशलिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या आपका होना चाहिए MBBS विद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सेम, ठीक है। इट्स एप्लीकेबल फॉर ओनली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ PG क्वालिफाइड कैंडिडेट। आपकी सैलरी भी सेम रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं फुल टाइम स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस 1 ईयर का, यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको यहाँ पे रखा गया है। आप प्लोरोमन मेडिसिन में एक वैकेंसी है, 25/9/2020 को 3 बजे पहुँचना है, 66 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका MBBS विद PG डिग्री इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस ऑफ 3 साल का, PG डिप्लोमा हैविंग पोस्ट PG एक्सपीरियंस 5 साल का,
जो आपकी सैलरी रखेगी आप सेम रखेगी 7 CP लेवल 11 की, ठीक है। यहाँ पे पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर का रेडियो डायग्नोस्ट की आप देख सकते हैं वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24/9/2020 को 11:30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। MBBS विद PG या डिग्री इक्विवेलेंट विद PG पोस्ट PG एक्सपेंस ऑफ 3 ईयर और PG डिप्लोमा हैविंग पोस्ट PG एक्सपेंस ऑफ 5 ईयर रेस्पेक्टिवली पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट 60,000 रुपये से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 hours per day and 4 days week यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ नो कैंडिडेट ऑफ PWD इग्नोरी सेक्टर सीट विल फिल द करस्पॉन्डिंग कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ के नहीं मिलता है तो आपके जो कि और करस्पॉन्ड कैटेगरी के अनुसार ही जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी फीस है OBC और इग्नोवी और OBC वालों के लिए आपके 300 रुपये है, ठीक है, और SC ST के लिए 125 रुपये है, ठीक है। फॉर जनरल और OBC के लिए 300, ठीक। यहाँ पे आप जैसे और भी आपकी डिटेल है बेसिक, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको मैं डेट बता चुका हूँ। आपको जो कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे हाई स्कूल के, आपको जो सर्टिफिकेट एज ग्रुप के प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसका प्रूफ लेके आना होगा, ठीक है। MMC MCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर सिम कम्पिटिशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपेंस सर्टिफिकेट, NOC लेटर, ये सब आपको लेके आए, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अगर स्पेशल कैटेगरी में, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लाना होगा, 2 फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं आपको ड्यूअली बायोडेटा फ्रॉम NX2, ठीक है, एक इस अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप आ रहा है इसको आपको लेके आना है, यानी इसको फॉर्म को भरना है, पोस्ट का नाम लिखना है, डिपार्टमेंट लिखना है, नेम लिखना है आपका, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, कैटेगरी आपको बतानी है, हाइट बताना है, फीट इंच में बताना है, आपको यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है वो जानकारी देनी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना है, आपके शरीर पर कोई मार्क है उसकी जानकारी देनी है, एड्रेस बताना है, पिन कोड देना है, रिलीजन बताना है, कास्ट बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, ठीक है। आपको ईमेल आईडी बतानी है, आधार नंबर बताना है, MBBS पासिंग ईयर बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री की जानकारी, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी नेम, मेडिकल काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ मेडिकल काउंसिलिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आप जानकारी देनी है, डेजिग्नेशन आप जिस पोस्ट पे थे कब से लेकर कब तक, ड्यूरेशन बतानी है, इस तरीके से प्रेजेंटली वर्किंग डेजिग्नेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये सब आपको यहाँ पे देने होंगे। DD नंबर, ड्रॉन नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आपको और भी डिटेल है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको फॉर्म की आ रही है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में और अन्य यूनिवर्सिटी या किसी भी से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।